नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आज के दिनों का बजट है 13,000 रुपये, अगर अभी सेल के दौरान कोई परफेक्ट स्मार्टफोन या फिर ऑलराउंड स्मार्टफोन लेना चाहते तो आपके लिए कुछ नया ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो नार्जो 75G 13,000 के नीचे आएगा, लेकिन सैडली उसका प्राइस 13,000 के नीचे नहीं आया। लेकिन वो स्मार्टफोन जिसका रीब्रांडेड वर्जन मतलब रियलमी P1 जो कि हमें मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, वो स्मार्टफोन हमें मिल चुका है एग्जैक्टली 13,000 पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट वालों ने डील रिवील कर दिया। लेकिन 22 तारीख पे नथिंग की तरफ से सभी के सभी ऑफर रिवील होने वाला है, और मेरे पास एक लीक्स आ चुका है कि इस साल हमें CMA की तरफ से मेजर डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा मैंने सुना है कि जो CMA फोन 1 जो कि मैंने खुद रिव्यू किया था कुछ महीने पहले 15,000 पे फैंटास्टिक स्मार्टफोन है, वो फोन मैंने सुना कि मिलेगा एग्जैक्टली 13,000 पे। मतलब 13,000 पे एक्चुअली दो फोन अवेलेबल होने वाला है, CMA फोन 1, रियलमी P1। तो इसलिए इस वीडियो में ये चीज देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल इस सेल के दौरान दो प्रोडक्ट के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया और आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में ये चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के डिज़ाइन को लेके। तो ये जो CMA फोन 1 आपको थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन भी मिलेगा और मल्टी कलर पे देखने को मिलेगा। उसी जगह पे जो नार्जो 70 या फिर जो रियलमी P1 इसके पीछे का जो डिज़ाइन वो रियलमी के बाकी फोन के जैसा ही है, मतलब कोई यूनिक डिज़ाइन हमें देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी का ये जो डिवाइस आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, ग्रीन और ब्लू। CMA में आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रीन। CMA का थिकनेस है 8.2 mm और वेट है 197 ग्राम। रियलमी का थिकनेस है 8 mm और वेट है 188 ग्राम। तो मतलब अगर आपको दोनों फोन के अंदर सबसे ज्यादा हल्का फुल्का वाला अगर चॉइस लेना है तो उसके लिए रियलमी होगा बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों की डिस्प्ले की बारे में बात करें, इधर दोनों फोन में आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट। दोनों पे आपको मिलेगा 2000 nits का ब्राइटनेस, और दोनों पे डिस्प्ले के साथ आपको HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मतलब इधर डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर दोनों के प्रोसेसर की बारे में बात करें, CMA पे आपको मिलेगा Dimensity 7300 प्रोसेसर जो कि 4 NN पे बनाए, इसका Antutu स्कोर है 634,000 के आसपास। और उसी जगह पे Realme पे आपको मिलेगा Dimensity 7050 प्रोसेसर, ये 6 nm पे बनाए और इसका Antutu स्कोर है 584,000 के आसपास। तो मतलब इधर अगर हम ओवरऑल बेटर क्वालिटी CPU परफॉर्मेंस की बारे में बात करें तो उस मामले में CMA पे डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों की कैमरे के बारे में बात करें, इधर दोनों फोन में आपको मिलेगा एग्जैक्टली सेम सेटअप जो कि है 50 और 2 का रियर कैमरा जिसके साथ है 16 MP का सेल्फी। दोनों की रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा EIS का ऑप्शन। CMA पे जो 50 MP वो आपको मिलेगा सोनी IMX882। उसी जगह पे Realme पे आपको एग्जैक्टली कौन से ब्रांड की तरफ से कैमरा सेंसर मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। और वैसे मैंने ये जो नार्जो 70 या फिर जो Realme P1 इसे मैंने खुद टेस्ट किया था, कैमरा मुझे इसका काफी बढ़िया लगा, मतलब सेंसर कम या फिर ज्यादा होने पर मुझे कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसलिए इधर इस ओवरऑल कैमरा क्वालिटी में दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट अगर दोनों के वेरिएंट के बारे में बात करें, इधर दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 6x128GB 8x128GB। CMA पे आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम और उसके साथ UFS 2.2 का स्टोरेज। उसी जगह पे Realme पे आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज। दोनों पे आपको मिलेगा हाइब्रिड कास्ट आउट का ऑप्शन, इसका मतलब आइदर 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड 1 SD कार्ड हम सेम टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मतलब इधर इस वेरिएंट के मामले में Realme थोड़ा सा ज्यादा बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी और चार्जर की बारे में बात करें, दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी। CMA पे आपको मिलेगा 33W का चार्जिंग का सिस्टम, लेकिन जो चार्जर वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, मतलब बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा और कनेक्टिविटी USB Type-C। उसी जगह पे Realme पे आपको मिलेगा 45W का चार्जर, और ये जो चार्जर वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा और USB Type-C का कनेक्टिविटी। तो मतलब इधर इस बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे Realme डेफिनेटली बेटर। और नेक्स्ट अगर दोनों कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करें, तो CMA पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर, Realme पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर। इसके अलावा CMA पे आपको कोई भी 3.5 इंच जैक नहीं मिलेगा, Realme पे आपको मिलेगा 3.5 इंच जैक। और इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 2 OS अपडेट साइकिल और टोटल 9 5G बैंड। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो एग्जैक्टली इस 13,000 के प्राइस पॉइंट में दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप इस 13,000 के प्राइस पॉइंट में CMA के साथ जाएंगे तो आपको टोटल 2 एडवांटेज मिलेगा जो कि है बेटर क्वालिटी CPU और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी कैमरा कंपेयर टू Realme। लेकिन उसी जगह पर अगर हम Realme के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर स्टोरेज क्वालिटी, फास्टर चार्जिंग सिस्टम,
डुअल स्टेडियो स्पीकर और 3.5 mm जैक। और इधर वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, ये जो CMA Phone 1 और जो Realme P1, मैंने दोनों ही गैजेटो चैनल पे प्रॉपर रिव्यू करके रखा है, आप देख सकते हैं। जब CMA Phone 1 को मैंने पूरा रिव्यू किया था, मेरा ओपिनियन ऐसा था कि फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 15,000 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका मेन टारगेट है थोड़ा सा ज़्यादा गेमिंग। अभी गेमिंग ज़्यादा देने के चक्कर में कुछ चीज़ें माइनस किया है, फॉर एग्जाम्पल 3.5 mm जैक मिसिंग है, चार्जर इसके अंदर मिसिंग है, वरना सेम प्राइस पॉइंट में बाकी चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है बाकी ब्रांड। तो मतलब ये जो CMA Phone 1 रिव्यू के बाद मुझे लगा इसका मेन फोकस है गेमिंग और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। उसी जगह पे जब मैंने Realme P1 का रिव्यू किया था वही 15,000 पे, तो रिव्यू के बाद मुझे ये चीज़ लगा था फ़ोन बहुत ही बढ़िया, 15,000 पे परफेक्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है, मतलब जिसके अंदर मुझे एटलीस्ट कोई भी कमी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, ऑडियो सिस्टम सब कुछ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो मतलब इधर से एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आपके दोनों फ़ोन के अंदर एक ऑलराउंड वाला चॉइस चाहिए तो Realme P1 सबसे बढ़िया चॉइस होगा, लेकिन अगर आपको 13,000 पे सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोगों के लिए CMA Phone 1 सबसे बढ़िया चॉइस होगा। तो अभी आप मुझे कम से कम बताने कि आपके दोनों फ़ोन के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा और कौन सा लेना चाहेंगे सेल के दौरान, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन लिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।